कपड़े के शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। मुरादाबाद की सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित कपड़े के शोरूम में लगी भीषण आग ने क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। आग की सूचना पर दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। इस आग में लाखों रुपए की कीमत के कपड़े जलकर स्वाह हो गए। कोतवाली इलाके के भट्टी स्ट्रीट में देर रात उस समय भगदड़ जैसा माहौल व्याप्त हो गया जब कपड़े के एक शोरूम में आग लगने से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। आग बुझाने के लिए क्षेत्र के लोगों ने भरसक प्रयास किया, लेकिन कपड़ों में लगी आग भड़कती ही जा रही थी। सूचना मिलने के कुछ देर बाद दमकल विभाग की दो गाड़ियां भी घटनास्थल पर पहुंच गईं और आग बुझाने में लग गईं। मौके पर पहुंचे शोरूम मालिक ने बताया कि उसका लाखों रुपए का नुकसान हुआ। भट्टी स्ट्रीट में दुकान है मेरी। किस तरीके से आग लगी, कैसे लग गई आग? मैं माल निकालने आया था कस्टमर का। आग दिखाई दी आपको? माल निकाल चुका था, पर्चा भी बना लिया था, बस माल निकाल के अंदर वाली दुकान, यहाँ की बाहर की दुकान के ताले पक्के करके अंदर की दुकान गया खोलने, वहाँ के ताले पक्के करे, पक्के करके माल गाड़ी में रखा गाड़ी। बच्चों ने बताया मुझे, बोले माल दुकान में आग लग गई तुम्हारी। तकरीबन 25-30 लाख करीबन 26-27 लाख रुपए का। कुलभर सिंह है जी, फायर ऑफिसर। अच्छा, ये किस तरह से आग लगी, क्या बताया जा रहा है? कितने अभी कुछ इसमें विषय में बता नहीं सकते, क्योंकि आग की हमको सूचना मिली, हम लोग तत्काल पहुंचे हैं और देखे तो यहाँ स्थानीय लोगों द्वारा बुझाया जा रहा था, फिर हम लोगों ने उनकी सहायता से शटर खुलवाया, फिर आग भिजवाया। सर अभी आपके सामने जो भी देख रहे हैं हम लोग भिजवा करके अभी जो है। कितनी दमकल आई आपकी यहाँ से? मुश्किल से मेरे ख्याल से 5-7 मिनट लगा होगा तस्वीर आने में। नहीं, दमकल कितनी आई बुझाने के लिए? दो गाड़ियाँ आई। तो कुछ पता लग रहा है किस तरीके से जली है, क्या है मामला? अब तो ये बताएंगे, अब डिटेल इनसे पूछा जाएगा कैसे लगी, प्रत्यक्षदर्शी यही लोग थे, हम लोग तो बाद में पहुँचे। अच्छा, कितना नुकसान बताया रहा? नुकसान अब सारे डिटेल्स ये बाद में इनसे मांगेंगे, हम बाद में देंगे। काहे की दुकान है, किस नाम से? कपड़े की है, सिंथेटिक के कपड़े रखे हुए इसमें। किस नाम से सर? इसमें इनका दुकान मालिक अजीम भाई है, जो दुकान मालिक है, थोड़ा सी समय उनकी स्थिति जो है जानते हैं, रो रहे हैं थोड़ा, जिसका नुकसान होता है। ठीक, ओके। क्षेत्रवासियों ने सहयोग, क्षेत्रवासियों ने सहयोग किया? नहीं नहीं, पूरा सहयोग उनका रहा, उन लोगों ने पहले प्रयास किया और उन्हीं की सहायता से ये सब जो है जो भी हुआ हम लोग। ओके सर, थैंक यू।